मेरा धन्यवाद। जय हिंद। साबका कैबिनेट वजीर
सारा समान मेरे पिताजी के गूढ़े दोस्त सरदार अमरजीत सिंह सबरा जी बहुत ही सत्कारयोग साढ़े वीर फगवाड़ा तो एमएलए सरदार धारीवाल साहब बहुत ही सत्कारयोग कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत ही जजारू सबका एमएलए इंद्रदीप बलारिया जी मेरे बड़े वीर सरदार सुखपाल सिंह दोलन जी सबका एमएलए मेरे छोटे वीर परिवारिक मैंबर सरदार अंगद सैनी जी सबका एमएलए साढ़े बहुत ही सिरगढ़ लीडर पटियाला जिले तो मान साहब और इस इलेक्शन दे विच जेरे दिन रात बहुत मेहनत कर रहे जिन्हों बारे मैं प्रधान जी भी दसिया साढ़े वड्डे वीर तरसेम जी समुची कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप सारे ही कांग्रेस पार्टी के साढ़े बुजुर्ग लीडर साढ़े काउंसलर सबका काउंसलर साढ़े ब्लॉक के प्रधान साढ़े काउंसल के चार बार रहे प्रधान वाइस प्रधान सामने बैठे साड़िया माताओं भैन एक एक जरा इतने राजा जी साथी आया है एक कांग्रेस पार्टी ने अपनी जान भी निशावर कर सकते Yeah.
ਪਤਾ ਦੀ ਚੌਂ ਦੀ ਸਤੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ सूबे बन रहे सीटा जितने वाली सरकार सब तो पहला तो देश के पहली बारी ऐसी झूठी मक्कार लारियां की सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की सरकार एक नारे उन्होंने सरकार बना ली और नारा की सी और नारा सी बदला एक उन्होंने बड़ी ਅਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਉਸ ਐਲਾਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ अपने वार्ड जाके अपने हर घर का दरवाजा खड़का के अपनी मातावां भैणा को जान खाना है कि जो ये झाड़ू वाले जो ये लुटेरे वोट लैन आओगे उन्होंने हिसाब करना है उन्होंने दसना है कि 14 महीने हो गए केजरीवाल साहब 14 महीने हो गए भगवंत मान साहब 14 महीने मतलब एक एक बीबी का 14,000 यही सवाल करना है और इस सवाल ने भी जवाब दे सकते और जिस दिन तुम ये काम कर लिया ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਖਵਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਰ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਧੋ ਤਵਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘਟਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਵੇਲਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਕੁਝ
ਸਫਲ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ संतोख सिंह चौधरी एमपी कभी इलाके नहीं आया संतोख सिंह चौधरी एमपी ने पंजाब के अपने इलाके के फर्कों को कभी तवज्जो नहीं दी तो मेनू दसो इस संतोख सिंह चौधरी कैसा भी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे किसी ने खाती पीती भी टेलीफोन किया तो संतोख सिंह चौधरी ने बोल दिया संतोख सिंह चौधरी कौन सी ये लोग जानेंगे कि संतोख सिंह चौधरी कौन सी जब 13 तारीख को दिल्ली लहंगा लिया
लेके आते हैं और पैसे करते हैं, पर वो लेकर निकले नहीं पहला सरदार बलविंदर सिंह जी,
फगवाड़ा साहब, बहुत ही सत्कारयोग साहबरा गले अंगद सैनी साहब, बहुत ही सत्कारयोग कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैरी मान साहब, अल्लाह दी साढ़े नक्की जी, बहुत ही सत्कारयोग साबका एमएलए कंटेस्टेड कैंडिडेट तरसेम सियालका साहब, इस साथियों काफी चौड़े लोगों के प्रधान कांग्रेस पार्टी के कौंसलर साहबान साढ़े प्रधान जी बिटू जी साडा भरा जरा इस इलाके का एमएलए जिन्होंने माता जी चुनाव लड़ रहे चौधरी विक्रम सिंह सियाने कहते पिता भरपूत घोड़े पे घोड़ा बहुते नहीं थे थोड़ा थोड़ा सो थोड़ा हमने हमने संबोधित करते गए हैं। मैं थोड़े ना कोई बहुत क्या भाषण करती रहा नहीं करनी चाहता लेकिन चंद गल्लां थोड़े सामने रखनी चाहते ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਗਰ कुछ चीजा चेते ना रखा तो जो आने वाला भविख है साब का वो होर गंदला खराब हो जाए उन्होंने सू जरूर गौर फरमा और मैं अक्सर ही यह गल कहना कि जो हिंदुस्तान के लोग ना केवल पंजाब के लोग हैं हिंदुस्तान के लोग हैं जो वोट पाते हैं वोट पाने तो पहला बिल्कुल विचार नहीं करते कि असि किस व्यक्ति वोट पा रहे हैं और क्यों पा रहे हैं और किस पार्टी वोट पा रहे भाई थानू पंजाब के आगे आगे फिर सारे सियाने सारे अगर पूरे पंजाब की गल करिए दबाबा मैं समझना कि समझदारी वाले पास्यों सियाणप वाले पास्यों बाकी पंजाब नालों ज्यादा हुशियार लेकिन फिर भी सब हजे सुचेत रहती हो अगर सुचेत तुसी ना रहे तो पंजाब दब जाएगा हजे तो होया कख नहीं और तुसी चिंता जाहिर कर रहे हो उलारिया साहब के लोग कहते कि साडे बच्चे विदेशा चले जा रहे पहला दबाबा गया सी बीपू जी हुण मारवा भी बहुत जा रहे माझा बहुत चला गया पहला बनाती है अमरीका ने कनेडा का ऑस्ट्रेलिया का जे मुल्क ना होंगे तो पंजाब हम तो बर्बाद हो चुका होगा क्योंकि बहुत सारे नौजवान उसे जाके बस के जिन्होंने आपने घर का गुजारा करना शुरू करना थे इतने माड़ा मोटा समान भेजने से रोटी पानी चली जाता है नहीं हम की होना पता है ये मीडिया इतने सिविल वॉर लग गया जरा भुखा मरना दूजे ने घरे वर देना क्योंकि जिरा बच्चा रात को भुखा मर रहा है मान साहब जी को रात को रोटी नहीं मिल रही एक ने घरे चार सापी है एक ने घरे रोटी नहीं पकड़ी उन्हें दूजे ने घरे मजबूरन तौर पर मर के वा दुखी करके उन्हें आपके बच्चों का ढिड भर लिता अभी असि शुक्र गुजार जो अब फलाक हो गए हैं उन्होंने सानू मौत फरमा पेगा और जो जनता है जनता केवल सोशल मीडिया टेलीफोन टीवी पे तमाशा देखते हैं वोटा पा दी आदरणीय नरेंद्र मोदी जब तुम तमाशा रोज देखते हो देश को वाला तमाश की देश के अंदर कोई हो ही नहीं सकते और साहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का किसी ने भाषण ही नहीं सुनिया कांग्रेस का राज हुंदा सी कि बिजली नौकरी पहला लोग कहते सात साल कांग्रेस ने की कीता है तो गैस सिलेंडर का भाव 350 रुपया होता सी सात साल तक असी 5-5 रुपये बढ़ा के 360 रुपया मिले के आए 9 साल तक 1150 रुपया
पर जनता मंदिर और मस्जिद में जाके रोना पड़ गए हो, उसी पिता से आए हो डॉक्टर मनमोहन सिंह के राकेश 9 बजे पहला डीएसपी का घंटा जरा खाद का खेत में 450 रुपए का फंस गया, 1400 रुपए का घंटा है लेकिन तुम नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते तो इसका पसंद करते कोई राज नहीं इसकी जनता का अपना 42 रुपए पेट्रोल होता सी 9 बजे पहला क्या सरदार साहब 95 लिए है डॉलर टिका हो गया तो फिर बहुत फायदा है लेकिन देश गरीब हो रहे हैं आज 82 रुपये का डॉलर है 9 बजे 70 साल ब्याली पिए मेरा मतलब रुपया देख रहे हैं मेरा मतलब देश मुटा ये हक तो ठीक 9 बजे पहला 22,000 पिए सेवना होता और बाद हजार पे लड़किया ब्याह कौन करेगा भाई कि कोई लड़की कोला सोना भी लड़की पाएगा फिर ऐसा भी नरेंद्र मोदी होया 1,00,000 रुपया कोले का भाव होगा अज सरों का तेल अज खंड अज दाल अज रिफाइंड ऑयल ऐसे लोग आ गए देश के अंदर जिन्होंने अपना चमत्कार दिखाया थे सरकार बनाई थी नरेंद्र मोदी अगले पासे गया देखे केजरीवाल साहब आ गए बदलाव ले गया अज्ञाता बदलाव बदलाव की पार्टी सरदार भगवान से मान पंजाबा मुख्यमंत्री लोग आख्या कांग्रेस ही बड़े वाले ए बंदे आम बंदे इन्हों लेके आम व्यक्ति की गल कर उसे बैठक में केजरीवाल साहब ने काम शुरू कर लिया अब कैली की जब खाई कर दिया बेबे जी केजरीवाल साहब की कोठी से जो कोरोना के लोग भूखे मर रहे 45 करोड़ रुपया लगे है 8 पाते के 9 पाते के 19 लाख रुपए का पेट्रोल खाई जाते हैं 2.5 करोड़ का कदा रंग होया है यह बदलाव है लेकिन बाहर भाई और बहनों मैं जलंधर में घुराया क्यों आया घुराया इस धरती को मैं एक दलित रूप में मुख्यमंत्री लेकर जाऊंगा थोड़े किराए की बोले जलंधर गया कहना यहां पर सचिन का बंदा बनता है और जरा पिंड का इसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आऊंगा देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पर आएगा अब महात्मा जी बातें करे मैं बाबा साहब अम्बेडकर की कभी फोटो लाऊंगा विधानसभा साथ आपके पहली बारी पगार किया छो आटा देगा घर का नौकरी देगा एक साल के बीच किसी ने जीवन चक्र कोई तब्दीली आई है देखो विक्रम को नहीं कह सकता राजा परिश्वर भी कह सकते बुलानिया साहब को नहीं कह सकते तुम्हारे जीवन कोई साथ तब्दीली आई है तुम्हारी गरीब कोई तब्दीली आई है तुम्हारे महल्ले तुम्हारे पिंड तुम्हारे शहर एक साल का बीत गया 300 रुपए 14 महीने बीत चुके हैं सरकार होती है वादे करनी है साथी सरकार ने अभी 100 बटा 100 नहीं है असि भी 100 बटा 100 नहीं सी मतलब कि असि भी पूरे नहीं सी लेकिन ये लोग सब पार करवाता इन लोगों का बेवकूफ बना अज सड़कों के नाके लगे 40 साल पहला सीआरपीएफ के बीएसएफ ने भाव की इस पंजाब के नाके लगे हुए इसी पूछिए क्यों नहीं हो चेक पोस्ट करने होंगे असि प्रधान होंगे असि के नहीं
40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਐਸਐਫ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਆਈ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬ ਹੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ कांग्रेस पार्टी की 1992 में सरकार आई ये सारा काम शांति उदो हुई पंजाब के बिगड़ा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए बाप के नाम सरदार बैंक से करके पंजाब टुकड़े हो गए उन्हें सरदार बैंक से के शरीर में लेकिन पंजाब के विच अपन और शांति कायम करके पिता गुरचेत सिंह भुल्लर आके आज सुखपाल सिंह चुनावी साल चुनाव कांग्रेस पार्टी है लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने 70 साल की कितना बिट्टू जी जो देश लाल होया से इस देश को सूरी की बात थी और इस देश जहाज माता है नरेंद्र मोदी और केजरी बात ने बात नहीं लाया ये कांग्रेस पार्टी ने लाया आईआईटी आईआईएम और पाकिस्तान में और हर चीज का निर्माण कांग्रेस पार्टी सारे धर्म की एक पार्टी अभी राजनीति नहीं करते ना ना मंदिर से करते ना गुरुद्वारे से करते ना मस्जिद से करते ना गिरजा करते करते सब कुछ खाया जाता है कि तुसी करे धर्म का सत्कार करना है जाति का उसी सत्कार करते हैं आईआईटी करते हैं यूनिवर्सिटी मास्टर प्रबंधा से इन्हें लोगों की देन है और ना केवल यहां ये देन है समाज के प्रति इन लोगों की बहुत देन है हो सकता है सारे नौजवान कमियां होती है कि नहीं क्योंकि ऐसी वो घटना भी घटना जो सारे बुजुर्ग ने घटना नहीं जो सरदार गुरचेत सिंह पुत्र हमारे सभा में थे वो सुखपाल जी ने नहीं देखा हो सकता जो बराड़िया साहब ने सभा में किया उन्होंने पिता जी ने पता नहीं कहे औखे समय को बिठाते लेके आए काम डॉक्टर का बेटा फोन नजर आऊंगी आज की हो रही है पंजाब का माहौल की है दिल्ली तक केजरीवाल साहब सीबीआई ने बनाया तो कहते कट्टर ईमानदार है कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार शादी है नहीं डिक्शनरी ईमानदार एक शब्द है पहले सारे आए बिनी रंग में बनाया तो कहते चोर सी इस करके बना फिर तुम भी चोर हो यार नहीं आता कि नहीं यार और तू दिल्ली आने बना रहा है सर पंजाब वाले बना रहे हैं तुसी ने सामू चोर कह रहे तो तुसी अपने आप को कहते नहीं मानता कि नहीं कर सकते हो जो वो कर रहे हो वही तुसी कर रहे हो चोर लाया तो कहा जा रहे हैं होना नहीं चाहिए पंजाब की सबसे बाकी है कि किसी का बाप चला गया अपने साथी चला गया अब सरदार प्रकाश सिंह बादल के जिले से उन्होंने हल्का जिम्मे फलौर में फरमाया है ऐ मेरा नबी ने निकलवाया है सियासी मत पे जवाब बहुत सियासी मत पे सलामी है लेकिन जिथे इंसानियत है आज सरदार प्रकाश सिंह बादल चले गए यह सारा साधा फर्ज बनता है कि अभी प्रकाश के नाम औखे समय हरी
तय करता सी कि चौधरी संतोष सिंह जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा लाने शहीद हो गए, कोई पार्टी चुनाव ना लगी दर्शन नहीं, सेवक नहीं मालूम। एक रूम में कहता,
मेरे को आया काम कहता कि दसवीं जो पास करवाना होगा मैं कह दसवीं जो करे मैं पास करा दे ये नहीं होगा कोई काम होता है यार मैं दूजा को इस बार मैं गया सड़क रही काम किए पूरे हो गया तेन की हो गया तू तो सिर देखे कहना क्या मुंडे के लिए गया तू आख्या नहीं मैं क्या होगा ही नहीं मैं फिर मैं तू करा रहा कहना नहीं होगा नहीं कहना तू ए तो गया यह नहीं होगा इस करके बदल गया मैं भी मंडिया नहीं हूं मैं कहना कहना भी दस दिन मुद्दा पास करा मैं हो गया Yeah.
हेलो सब तो पहला मैं पंजाबी सियासत दे बहुत ही बाबा बोर्ड सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब द्वारा दिल दिया गहराइया चो आपने वालों इतिहासिक पार्टी के श्रद्धा के फुल पेश कर रहे परमात्मा उन्होंने अपने चरणों में नवाज बख्शे और पिछे परिवार पार्टी आया उन्होंने साथ संबंधियों भाड़ा मन का बल बख्शे बहुत मैं समझदा कि एक सोना आपका जीवन बतीत करके गए सरदार प्रकाश सिंह बादल 96 वर्षों की उम्र च जाना और पंजाब का 5 वारी मुख्यमंत्री बन के चले जाना मैं समझदा कि यह सच्चे पातशाह की उस वाहेगुरू अकाल बहुत अपार कृपा रही बेशक सियासी मतभेद हो सियासी विचार ना मिलना हो लेकिन मैं समझदा कि कोई ना कोई तो खासियत सरदार प्रकाश सिंह बादल के सन जिन्हों के करके पंजाब के लोगों ने उन्होंने पकड़ी पंजाब का बहुत हलीमी सी बहुत मैं समझदा कि सह सुभा के मालिक सन और अज असी सारे ने बेशक सा पुराना प्रोग्राम से गुराया भी दफ्तर का उद्घाटन से अज सारे ने उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है 2 मिनट का असी मौन भी रखे और कल असी क्योंकि उन्होंने अंतिम संस्कार कांग्रेस पार्टी ने यह भी फैसला लिया कि कल सारा दिन कांग्रेस पार्टी का जो चोन प्रचार है वो असी नहीं करा और सारे लोग उस शोक के असी उन्होंने परिवार को नुकसान और अज के इस उद्घाटन के समय मैं पूरन उम्मीद है कि तमाम लोग बुलारिया साहब चौधरी साहब अमरपाल जी साढ़े सपड़ा साहब इतने अस पहुंचे हैं लेकिन जिस प्रकार का मौसम नजर आ रहा जिस प्रकार का माहौल है और खास करके फलौर का गुराया मैं ये लगता है कि जेड़ी कितने माड़ी मोटी कसर आसे पासे दे हल्कों च रहनी है जो कोई रही तो वो फलौर ने पूरी करनी इतों सब तो वड्डी मैं समझदा कि लीड के नाल बेबी करमजीत कौर जी जितने और पिछे कारण है एक तो लोग चौधरी संतोख सिंह जी को प्यार करते हैं दूसरा उन्होंने ये श्रद्धांजलि है और तीसरा एक साल तो जेडे लोग बहुत बेहद परेशान ने आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर अज लोगों कोई मौका नहीं मिल रहा कि किस प्रकार वो उन्होंने मन के जो बंगले ने वो किस प्रकार वो आपका गुबार है जो कढ़ और कुदरती सच्चे पातशाह मौका दिता है अज उन्होंने लगता है कि यह मौका आया है कि जिस प्रकार बदलाव की इस सरकार ने भगवंतान की सरकार ने पंजाब के लोगों बेवकूफ बनाने का काम किया ऐसे वादे कर करके लुटन का काम किया हूँ बदला लैन का समा आया और मैं लगता 10 तरीक को पंजे के निशान से मोहरा ला के वो आपका जोड़ा इन्होंने ये वादे किए सन वो बदला लैन गए और पूरा देखो एक भी गारंटी अजे तक पूरी नहीं हुई जनता जानती है मैं कहूंगा कि गारंटी पूरी नहीं हुई जनता जानती है मीडिया के लोग जानते हैं किस प्रकार की किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं पूरी हुई हालांकि गारंटिया तो की पूरी होनी सर अज पंजाब के सिर 2 साल चीमा साहब ने 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ाने का काम 31,000 करोड़ रुपया जो बजट इस बार पेश किया चीमा साहब ने और क्या कि असी इस साल 31,000 करोड़ रुपया कर्जा ले चुके जेड़ा नवा अगला बजट पेश किया साल बाद अनुमानित बजट उन्होंने 35,000 करोड़ रुपया होर नवा कर्जा लेने की तजवीज रखी है
यानी कि 66,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया, गरंटियां हजे कोई पूरी नहीं हुई, 15,000 करोड़ रुपए का कला अगर 1,000 रुपया लोगों को देंगे तो मैं लगता घट्टो घट 15,000 करोड़ रुपए का काम है। हजे 2,500 रुपया पेनशन पई है और जिस प्रकार PSPCL का हालात है बिजली दे बिजली बोर्ड के, मैं लगता आने वाले समय चाहू भी जानकारी देना चाहना कि दिल्ली के अंदर इन्होंने जी बिजली से मुफ्त बिजली वह बंद हो चुकी है देने, तो आने वाले समय च आ जलंधर बाय इलेक्शन तो बाद जिस प्रकार के हालात के खजाने पंजाब दे विच भी बंद हो जाने, 71,000 करोड़ रुपया पंजाब की कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल कर्जा चढ़ा के गई सी, 5 साल इन्होंने 66,000 करोड़ रुपया 2 साल कर्जा चढ़ाने का काम करता। सो चीमा साहब की कहते हैं या भगवंत मान जी की कहते, उन्होंने तो बड़ा कुछ कहा, उन्होंने तो यह कहा यूनिवर्सिटी लियावे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लियावे, उन्होंने कहा एयरपोर्ट बनावे, उन्होंने गराया कहा असं डिप्टी मुख्यमंत्री लियावे, उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपया रेलवे चो लैके आवेंगे, उन्होंने कहा 36,000 करोड़ रुपया तो मैं यू ही खजाने से जो करप्शन होती है वो बचा लूंगा, उन्होंने कहते कि सो देखो हर चीज को पोलिटिकल तोल नहीं देनी चाहिए, जी मरिंदा की बेअदबी है जिन्ना क मैं लग रहा है बेहद दुखदायी घटना है बेहद माड़ी घटना है, इस गल के साडे दिल से बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मैनू लगता कि वह जो व्यक्ति सी दिन दहाड़े जो बेअदबी कर रहा है वह मानसिक कोई परेशान या ऐसा कोई व्यक्ति लगता है, सानू सारे शांति बरकरार रखनी चाहिए है और सरकार को मेरी बेनती और पंजाब पुलिस एहोजे व्यक्ति सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, अगर वह मानसिक परेशान है तो कुछ नहीं और हल कढ़ना चाहिए, पर मैं लगता नहीं कि कोई यह गहरी एरे पिछे साजिश है, क्योंकि हर चीज को पॉलिटिशियन हर व्यक्ति अगर एवं साजिश बना देगा तो मैं लगता वह भी कोई चंगी गल नहीं जिस प्रकार लग्या। हाँ जिहड़ियां बेअदबी पहला होईयां सन वह मैं लगता है कि एक साजिश के तहत सारा वह कार विहार रचा गया, किसान तो परेशान है, केजरीवाल साहब ने भी कहा कि 1 अप्रैल तो बाद कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा, बारिश के समय बेमौसमी जी बारिश हुई लोगों को हजे तक मुआवजा नहीं मिले, लोगों की स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई, ये कहते असी 50,000 तो यू ही दे देंगे, लोग उड़ीक रहे सू 15,000 ही दे दौ, तो मेरा ख्याल कि किसान लिफ्टिंग वास्ते भी बहुत परेशान है, सरकार को जल्दी ही ये भी कोई बात फरमाना चाहिए। एक अमरिंदर केजरीवाल